गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा, हमने पिछले लेक्चर में हमने डिफरेंशियल क्या कवर किया था, वेक्टर कैलकुलस कवर किया था। इसके मेरे 3 वीडियोस हैं, उसको आपने ज़रूर देखना है। जो नेक्स्ट हम टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज़ अवर 3 डिमेंशनल ज्योमेट्री। बहुत ईजी वे से पढ़ाऊँगा जी, ध्यान से सुनना है बस। जो मैं करवा रहा हूँ उतना ही कर लीजिए, दैट इज़ आपके जो भी आपका एग्ज़ाम होगा। अगर आप प्लस टू के CBSE बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हो या पंजाब बोर्ड का, इसी में से पेपर आएगा, इससे बाहर नहीं आता। ठीक है जी, करें शुरू। चलो, पहले तो हमारी इसमें आती है 11.1 एक्सरसाइज, जिसमें हमने क्या करना है। सबसे पहला टॉपिक आता है हमारे डायरेक्शन रेशोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में है। ठीक है जी, डायरेक्शन कोसाइंस होता क्या है पहले ये पता हो। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, कि कोई चीज को डायरेक्शन कोसाइंस का क्या मतलब है। जैसे हमारी ये है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, एक ये लाइन है। ठीक है जी, ये लाइन का मान लीजिए एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा है, y एक्सिस के साथ बीटा है, z एक्सिस के साथ इसका एंगल मान लीजिए गामा है। ठीक है जी, x एक्सिस के साथ अल्फा, y एक्सिस के साथ गामा, बीटा, z एक्सिस के साथ गामा। तो डायरेक्शन कोसाइन की ये नोटेशन होती है, रेशोज एंड कोसाइन की नोटेशन सेम है। ये होता है कोसाइन से पता चला, cos x एक्सिस के साथ इसका एंगल, उस लाइन का x एक्सिस से एंगल, cos उस लाइन का y एक्सिस से एंगल, cos उस लाइन का z एक्सिस से एंगल, दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन। ठीक है जी, मीन्स कहने का मतलब है अगर हमें डायरेक्शन कोसाइंस पता चल गए तो इस लाइन की हमें पोजीशन पता चल जाएगी कि एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, वाई एक्सिस से कितना बना रही है, जेड एक्सिस से कितना बना रही है। ये इसका फायदा है। दूसरा हमने ये याद रखना है डायरेक्शन कोसाइंस में, अगर ये एल है, ये एम है, ये एन है, इसमें याद रखना है कि डायरेक्शन को साइंस होंगे तो इनकी स्केयरिंग एंड एडिंग का आंसर पक्का 1 होगा। ये फॉर्मूला जी, ये आपने याद रखना है। ठीक है, समझ आ गया। अब क्वेश्चंस देखते हैं कुछ। पहले तो पहला क्वेश्चन, एक लाइन है कहता। ठीक है जी, ये 2 पॉइंट्स हैं 1, 2, 1, बी पॉइंट है 4, -5, 6। कहता डायरेक्शन रेशोज ऑफ लाइन ए बी निकालिए, कि वो लाइन जो ए बी से पास हो रही है वो निकालिए। तो इसके लिए डायरेक्शन रेशोज निकालने के लिए हमारा क्या फार्मूला है, इसका फार्मूला है फाइनल माइनस इनिशियल। ए बी का निकालना है 4 -1 कॉमा -5 -2, जिसको मर्जी फाइनल मान लो, जिसको मर्जी वो इनिशियल, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 6 -1 मीन्स डायरेक्शन रेशोज आ गए हमारे, दैट इज 3 -7, 5, दिस इज अवर डायरेक्शन रेशोज। क्लियर है बेटा डायरेक्शन रेशोज। देयरफॉर हमारा आंसर आया 3 -5, थर्ड क्या आया था हमारा 3 -7, 5, दिस आर अवर डायरेक्शन रेशियोज। अगर हमने डायरेक्शन को साइंस निकालने हैं इसके, तो इसका पहले मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड ऐसे निकालते थे, वेक्टर में कराया था, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का प्लस तीसरे का, ये बना 9, 49, 25, कितना बना 34 + 49, स्क्वायर रूट 83 बना। इसको जितना मैग्नीट्यूड है इससे डिवाइड कर लीजिए, दैट इज इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। क्लियर है जी, डायरेक्शन रेशोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस क्लियर है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि डायरेक्शन रेशोज कैसे निकालते हैं, कि अगर दो डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक लाइन है, उसके हमने डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं, वो लाइन की खासियत क्या है। वो लाइन की ये खासियत है, वो लाइन जो है, जैसे ये लाइन है, कि वो लाइन की खासियत है कि वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है 60 डिग्री, वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रही है 30 डिग्री, जेड एक्सिस के साथ एंगल बना रही है 45 डिग्री।
समझ आया बेटा क्वेश्चन? ये डायरेक्शन का साइन निकालने हैं लाइन के, जो एक्स एक्सिस के साथ इतना एंगल है, वाई एक्सिस से इतना एंगल है, तो सिंपल डायरेक्शन का साइन का फॉर्मूला, जो बेसिक फॉर्मूला है, कॉस एक्स एक्सिस के साथ एंगल, कॉस वाई एक्सिस के साथ एंगल, कॉस जेड एक्सिस के साथ एंगल। ठीक है जी। कॉस 60 डिग्री कितना होता है? स्केयर रूट 3/2। कॉस 30 डिग्री, सॉरी कॉस 60 डिग्री 1/2। कॉस 30 डिग्री स्केयर रूट 3/2। कॉस 45 डिग्री 1/√। ठीक है जी। चलो एक वो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, अगर वो चेक करनी है वो भी कर सकते हैं। अगर ये एल है, ये एम है, एन है, तो स्केयरिंग एंड एडिंग करके देखिए, ये 1 आ रहा है, पहले का स्केयर 1/4, दूसरे का स्केयर 3/4, अगेन 1/2। थोड़ा सा गड़बड़ तो नहीं हुई कहीं पे? डायरेक्शन को साइंस, सॉरी इसमें तब तो नहीं बन आया, बिकॉज ये एंगल मैंने अपनी तरफ से लिख लिए। ऐसा नहीं हम कर सकते कि ये टोटल वो भी बनना चाहिए ना। देखो इसका ये पक्का है, इसकी स्केयरिंग एंड एडिंग 1 होगी, बट ये अगर लाइन एक्स एक्सिस से 60 है, इससे 30 है, तो ये यहाँ तो इसको लो यहाँ पे 90 डिग्री, ताकि पूरा बने। अब देखिए अगर इसका वो निकालेंगे, कॉस 90, कॉस 90 कितना होता है? 0 होता है। ये सॉरी स्टेटमेंट गलत ले ली मैंने, दैट्स वाई। अब यहाँ पे देखिए करके, ये आ गया 1 आ गया, क्लियर है? ठीक है, यहाँ स्टेटमेंट आप चेंज कर लेना, यहाँ पे जेड एक्सिस 90 डिग्री। देखो डायरेक्शन कोसाइन की एक तो खासियत होगी, इनकी स्केयरिंग एंड एडिंग 1 होती है। एक डायरेक्शन कोसाइन का क्या फ़ायदा? अब ये इसका क्या फ़ायदा है, इसकी पोजीशन पता चलती है कि लाइन कहाँ पे है। और इसका क्या फ़ायदा है डायरेक्शन कोसाइन का? अच्छा, अगर कहे ये आपने याद ही रखना है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा? अच्छा क्या होगा वैसे? सीधा है, क्योंकि अगर ये है एक्स एक्सिस, ये वाई, ये जेड, हमने डायरेक्शन को साइन निकालने हैं एक्स एक्सिस के, ये लाइन के निकालने हैं, तो फोर ये लाइन के निकालने हैं, तो डायरेक्शन को साइन का क्या फार्मूला था? कॉस एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल, वो तो 0 है। कॉस वाई एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस का वाई एक्सिस से 90 डिग्री होता है। कॉस जेड एक्सिस से एंगल कितना होता है? वो भी 90 होता है। कॉस 0 होता है हमारा 1, कॉस 90। देखो ये याद रखिए, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को साइन ये होते हैं। एज इट इज़ अगर वाई एक्सिस के पूछ ले कॉम्पिटिशन में 0 1 0, अगर जेड एक्सिस में पूछ ले कि डायरेक्शन को साइंस क्या होते हैं, दैट इज 0 0 1। क्लियर है जी, डायरेक्शन को साइंस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के डायरेक्शन को साइंस क्या होंगे? क्लियर है बेटा, नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। नेक्स्ट, और डायरेक्शन को साइंस एक और है, डायरेक्शन को साइंस ऑफ ए लाइन मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, वो निकालिए क्या होगा। कहता है एक ऐसी लाइन है जो तीनों एक्सिस के साथ एंगल सेम बना रही है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ये लाइन है। ठीक है जी, वो कह रहा है कि तीनों के साथ एक्सिस एंगल सेम बना रही है। मान लीजिए इसके साथ अगर अल्फा है, इसके साथ भी अल्फा है, इसके साथ भी अल्फा है, तो डायरेक्शन कोसाइन इस लाइन के हमने निकालने हैं। कैसे निकलेंगे? अब डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन एल क्या फार्मूला था? डायरेक्शन कोसाइन अगर एंगल पता है, कॉस एक्स एक्सिस से एंगल, कॉस वाई एक्सिस से एंगल, कॉस जेड एक्सिस से एंगल। ठीक है जी, ये हमने, अब अल्फा नहीं पता, अगर अल्फा हमें पता होता तो पुट कर देते, आंसर आ जाता। अब अल्फा कैसे पता चलेगा? इसको एल मान लीजिए, इसको एम, इसको एम। ठीक है, अब इसकी मैंने प्रॉपर्टी यूज़ की, हमें पता है स्केयरिंग एंड एडिंग 1 होता है, देफर एल की वैल्यू पुट कर दी, एम की कर दी, एन की कर दी। ठीक है जी, इससे देखिए ये बना 3 cos² α 1, तो cos अल्फा इससे आ जाएगा 1 ± 1/√3। अगर इसकी वैल्यू मैं 1 में पुट कर दूं, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या आया? यही आया,
देखो लाइन जो तीनों के साथ सेम एंगल बना रही है, दैट इज दिस, ये आपने याद रखना है कि ऐसी लाइन जो तीनों एक्सिस के साथ अगर सेम एंगल बना रही है उसका डायरेक्शन कोसाइन जीरो होते हैं। क्लियर है जी? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? लो एक क्वेश्चन इसका और करते हैं हम। अच्छा, उससे पहले अगर आपने चैनल को ये अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो जी, सब्सक्राइब करो चैनल को और शेयर करो मैक्सिमम, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट, इसकी एक और एप्लीकेशन है। अगर हमारे पास ये मान लीजिए तीन पॉइंट्स हैं, एक है 2, 3, -4, बी पॉइंट है 1, -2, 3, सी पॉइंट है 3, 8, -11। अगर हमने ये चेक करने हैं ये तीनों पॉइंट कुलीनियर हैं, तो उसके लिए भी हम डायरेक्शन रेशियोज यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर हमने कुलीनियर चेक करना है उसके लिए क्या तरीका है, आपने पहले ए बी के डायरेक्शन रेशियोज निकाल लीजिए। कैसे निकाल लेते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल, -1 फाइनल माइनस इनिशियल, -5 फाइनल माइनस इनिशियल। पहले ए बी के निकाल लिए, फिर चलो बी सी के निकाले डायरेक्शन रेशियोज। फाइनल माइनस इनिशियल 2, फाइनल माइनस इनिशियल 10, फाइनल माइनस इनिशियल, दोनों के डायरेक्शन रेशियोज निकाल लिए। अगर दोनों, चाहे तीसरा निकालना है निकाल लीजिए, ऐसी नहीं तो जरूरत नहीं है। अगर दोनों के डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल है, देखो क्या प्रोपोर्शनल है, दिस ओवर दिस आया, इसका इससे रेशियो करेंगे, देखिए कितना आ रहा है। ये भी -1/2 है, ये भी -1/2 है, ये भी -1/2 है, क्योंकि तीनों सेम आ रहे हैं, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल है। देयरफॉर ए बी सी क्या होंगे हमारे? कोलिनियर होंगे जी। क्लियर है? लो जी, इसके साथ आपकी 11.1 एक्सरसाइज सारी कंप्लीट हो जाएगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करें, मैं आपको सलूशन जरूर भेजूंगा जी। ठीक है जी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।